गुड मॉर्निंग क्लास फोर। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका साइंस। सो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक। इसमें आपका टेस्ट ले चुकी हूँ और आप लोगों ने अच्छा पेपर किया है, तो इसी तरह से आपने आगे भी पढ़ते रहना है। और इसमें ही आज मैं आपका नया लेसन स्टार्ट करने जा रही हूँ। लेसन नंबर 6 है आपका, तो इसको भी आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है? तो चलिए, आप भी मेरे साथ बुक ओपन करिए और देखिए कौन सा हम आज लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 6, टीथ है माइक्रोब्स, ठीक है? तो देखिए, ध्यान से सुनिए, ओके? चलिए। अवर टीथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर माउथ। दीज गिव शेप टू द फेस। टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। देयर आर मैनी वर्ड्स विच वी कैन नॉट स्पीक विदाउट टीथ। तो क्या पढ़ा आपने? टीथ एंड माइक्रोब्स। टीथ मतलब दांत, माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म। माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब से मतलब है बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो माइक्रोब्स कहलाती हैं। सूक्ष्म समझ लीजिए आप इसका मतलब। तो देखिए, जो टीथ है वो हमारे माउथ में, हमारे मुंह में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे चेहरे को क्या देते हैं? शेप देते हैं, ठीक है? टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। टीथ हमारी मदद करते हैं शब्दों को साफ बोलने के लिए। देयर आर मैनी वर्ड्स विच वी कांट स्पीक विदाउट टीथ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम दांतों के बिना क्लियर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? यू मस्ट हैव सीन एन ओल्ड मैन विदाउट टीथ। आपने अपने घर में, घर से बाहर एक कोई भी बुजुर्ग देखे होंगे जिनके मुंह में दांत नहीं होते हैं, कोई बूढ़े व्यक्ति देखे होंगे जिनके चेहरे मुंह में दांत नहीं होते हैं, और हिज फेस लुक संकन एंड डिफरेंट। उनका चेहरा लटका हुआ सा रहता है और एकदम अलग सा दिखता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स स्पोकन बाय हिम। तो जो बुज़ुर्ग लोग कुछ बातें बोलते हैं उनमें से कुछ बात हम लोग समझ पाते हैं और कुछ बात हमें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए। ऑल ऑफ अस नो दैट टीथ हेल्प अस टू च्यू द फूड वेल। सभी जानते हैं कि दांतों से हम क्या करते हैं? खाने को चबाते हैं। Chewing breaks the food into smaller pieces. Chewing breaks, चबाने से खाना जो हम खा रहे हैं, रोटी है, सब्जी है, दाल है, वो छोटे छोटे पीसेस में बढ़ जाता है, कट जाता है, और उसके बाद वो ईजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। Without teeth, it would not have been possible for us to enjoy our food. दांतों के बिना हम भोजन को enjoy नहीं कर सकते हैं, मज़े से नहीं खा सकते हैं दांतों के बिना खाने को। Without teeth, we cannot bite raw vegetables, fruits and nuts. दांतों के बिना ना तो हम कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, ना ही हम फल खा सकते हैं, और ना ही कोई भी ड्राई फ्रूट हम खा सकते हैं। जैसे काजू हम नहीं खा सकते, उसे चबाना पड़ता है। बादाम हम नहीं खा सकते, उसे चबाना पड़ता है, ठीक है? We would have missed eating many good things without teeth. और दांतों के बिना हमें कई फूड ऐसा है, कई खाने की चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें मिस करना पड़ता है। So good teeth are necessary to chew and bite our food properly. इसीलिए जो अच्छे दांत होते हैं वो क्या करते हैं? खाने को चबाने में और काटने में अच्छे से मदद करते हैं। If the food is chewed well, it is digested easily. अगर हम भोजन को अच्छे से चबा के खाएंगे तो उस भोजन का जो डाइजेशन है वो भी फटाफट हो जाता है, जल्दी से होता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रोइंग टीथ। मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो क्या उसके मुंह में दांत होते हैं? तो इस बारे में देखिए। A newly born baby has no teeth in his mouth. आपने देखा होगा अपने घर में, कहीं आपने देखा होगा एक छोटा सा बेबी होता है, जो न्यू बॉर्न होता है, तो उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं। When the baby is 6 to 7 months old, जब बच्चा, जो बेबी है वो 6 से 7 महीने का होता है, तब उसके मुंह में दांत दिखने शुरू होते हैं। By the age of 3 years, और 3 साल का होने पर बच्चे के मुंह में 20 दांतों का जो एक सेट होता है वो आ जाता है। These teeth are called baby teeth or milk teeth. तो ये दांत क्या कहलाते हैं? या तो ये बेबी टीथ कहलाते हैं या फिर मिल्क टीथ। मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत ये कहलाते हैं। At the age of 6 years, 6 साल का जो बच्चा हो जाता है, the children start losing their milk teeth. अब बच्चे के जो milk teeth है, मतलब जो दूध के दांत रहते हैं, वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। As the milk teeth fall, new teeth grow in their place. जो दूध के दांत होते हैं वो झड़ जाते हैं और उनकी जगह पे जो नए दांत आ जाते हैं। द न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ। और जो ये टीथ आते हैं ये परमानेंट टीथ कहलाते हैं। बाय दिस द चाइल्ड बाय
therefore by the time the child is 12 to 13 years old, जब बच्चा 12 से 13 साल की उम्र में आ जाता है उसके जो permanent teeth होते हैं वो आ जाते हैं. generally there are 28 permanent teeth. generally अगर हम देखें तो सभी के मुंह में 28 परमानेंट टीथ होते हैं. 4 मोर टीथ कॉल विजडम टीथ, और इनमें 4 दांत जो होते हैं वो विजडम टीथ कहलाते हैं, जिन्हें हम अगर अपनी भाषा में बोले तो अकल दाढ़ हम उन्हें कहते हैं. कम आउट बिटवीन द एज ऑफ 20 to 25, 20 से 25 साल की एज में विजडम टीथ आते हैं. देयरफॉर एवरी एडल्ट हैज़ अ सेट ऑफ 32 टीथ. तो आप लोग जानते हैं कि हमारे मुँह में कितने दांत होते हैं टोटल. टोटल दांतों का जो सेट होता है वो होता है 32, मतलब 32 दांतों का सेट हमारे मुंह में होता है. ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे. तो आप एक बार ज़रूर इसको रिवाइज करेंगे. ओके.